जा नहीं रहे। तो मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से चीफ रिपोर्टर, और मैं हूँ बांदा के नगर पालिका में, जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है कि 30 जनवरी को हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा शकुन पांडे के द्वारा गांधी जी की प्रतिमा में गोली मारी गई। इस मामले को लेकर के कांग्रेसी ही नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे ज़िले में एक खलबली सी मच गई है। उस विरोध में कांग्रेसियों का क्या कहना, आइए जानते हैं इन्हीं से। और आगे आ जाइए, जगह दे दो धीरे ये धीरे सविता, थोड़ा जगह दे उनको आगे आने के लिए। किनारे हो जाओ यार, जरा सा दिक्कत ना हो। जी बताइए। 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र और प्रदेश में सरकार में है, उसके अग्रिम संगठन हिंदू महासभा, जिसका काम इस देश में नफरत की विचारधारा को फैलाने का शुरू से रहा है, उसने, जिसकी विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जो इस देश के जन जन के बापू हैं, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया, ऐसे महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में ऐसी ही विचारधारा ने गोली मार दी थी। और उसी ने लगातार इतने वर्षों बाद भी, जब केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, 3 ताकतों का साहस फिर से बढ़ गया है और उन्होंने एक बार पुनः वही कृत्य दोहराया और इस देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जो उनकी फ़ोटो में 3 गोली मार करके जिस तरीके से अपमान किया है, न केवल कांग्रेस जन बल्कि समस्त देश के सभी लोग इस महात्मा गांधी जी के इस अपमान का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और कांग्रेस हमेशा से राष्ट्रपिता के सम्मान के साथ, इस देश के महापुरुषों के सम्मान के साथ, इस देश के संविधान के साथ, इस देश के सभी नागरिकों के सम्मान के साथ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजबब्बर जी के आह्वान पर, हम सभी कांग्रेस जन यहाँ नगर पालिका परिसर स्थित गांधी जी की प्रतिमा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये नफरत की विचारधारा इस देश से समाप्त नहीं हो जाती है, जिसने हम सभी हिंदू मुस्लिम सबको अलग करने की जिसकी विचारधारा है, ये विचारधारा जब तक नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों मारी गई है गोली, क्या उनके ऐसे विचार क्या थे उस पर? ये जिसके नफरत के जिनके विचार होते हैं, वो इस तरीके के कृत्य करते रहते हैं, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सभी को इस देश में सहिष्णुता का, अहिंसा का संदेश दिया, सत्य ही ईश्वर है सब इसका संदेश दिया, मानव क्रियाओं में ही उन्होंने धर्म देखा, लौकिकता में ही उन्होंने धर्म देखा, मानवतावाद को उन्होंने धर्म बताया। उन्होंने, महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी धर्म जितने भी हो सकते हैं, वो सब भारत में एकताबद्ध होकर के रहेंगे। महात्मा गांधी जी की जो ये सभी को सद्भाव की जो उनकी जो उनका जो संदेश था, ये सद्भाव का संदेश जिन ताकतों को, जिन नफरत की ताकतों को स्वीकार ही है, उन ताकतों ने ये कृत्य किया है और ये किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ऐसी नफरतवादी ताकतों का घोर विरोध करती है और इनको जड़ से इस देश से समाप्त करके ही कांग्रेस अपना संघर्ष पूरा करेगी। जी, तो और कोई बताएंगे कि क्यों इस समय इतना ज़्यादा विरोध है, जारी है? ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, और भी पहले से ऐसा होता आ रहा है, तो आप थोड़ी बताएंगे। क्या नाम है आपका? राम मिलन सिंह पटेल। वो माइक दीजिए जी। हाँ बताइए जी, आपका परिचय थोड़ी जानना चाहूँगी। एडवोकेट राम मिलन सिंह पटेल, जिला महासचिव, जिला प्रवक्ता। जी बताइए जी। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी में जो योगदान दिया है, सहिष्णुता उनका जो है मंत्र रहा है, उनकी हत्या
एक बार 1948 में की गई है, इसके बावजूद लगातार उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है ऐसी कट्टर सोच वाले लोगों द्वारा, लेकिन उनकी विचारधारा ना तो ख़त्म हुई है ना तो कभी ख़त्म होगी। और ऐसे कट्टर लोगों को ये देश कभी नहीं सहेगा, उनका जो अपमान हो रहा है महापुरुषों का, और ये कट्टर सोच खत्म हो जाएगी अगर ये कृत्य करते रहेंगे। जी तो और कई बताएंगे कि आज कैसा क्या कार्यक्रम है इस मामले को लेकर के। जी भाई कर दियो। जी आप क्या कहना चाहेंगे, परिचय बताइएगा। मोहम्मद इद्रीस, कांग्रेस के कार्यकर्ता सदस्य। जी बताइए बस आप क्या कहना चाहेंगे। जो अभी हिंदू महासभा की एक कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा सिंह पांडे, उन्होंने जो महात्मा गांधी की फ़ोटो पे गोली मारी, तो उन्होंने अपने उसको दर्शाया है विचारधारा को कि हम किस विचारधारा के लोग हैं और किस तरह हम इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। महात्मा गांधी का आज हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में महान है, महत्व है, और उनके समर्थक आए प्रतिदिन जो है लगातार बढ़ रहे हैं और उनका पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है। जहां इस विचारधारा पूरे विश्व में बढ़ रही है, वहीं इस विचारधारा के लोग हिंदू महासभा आरएसएस जैसे विचारधारा के लोग यहां पर देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, घृणा का भाव पैदा करना चाहते हैं और इस देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। आज उसी को लेकर के हम सब लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। हम इस विचारधारा को नहीं फैलने देंगे और इस देश की एकता और अखंडता के लिए चाहे हमें देश अपनी स्वयं की कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग कांग्रेस जन उसकी रक्षा करेंगे देश की एकता और अखंडता के लिए। इस विचारधारा के खिलाफ हमेशा कांग्रेस जन लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, आजीवन लड़ते रहेंगे, जब तक इस विचारधारा को हम लोग आम आदमी की तरह, जो आम आदमी की विचारधारा है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है कि हम सबको एक समान देखना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान चाहते हैं और इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं, जब तक इस विचारधारा के को ये लोग नहीं अपना लेंगे तब तक हम लोग इनके खिलाफ ये संघर्ष जारी रखेंगे। ये तो एक बड़ा मामला है, जैसे आप बोले हैं कि आप विचार को बदलना चाहते हैं, जरूर लोगों के विचार बदलने चाहिए, लेकिन किस तरह की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की कि लोगों की सोच बदले। कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी की पार्टी है, जो कांग्रेस की विचारधारा वो आम आदमी की विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी है, और इसके लिए जो हिंदू महासभा या आरएसएस के लोग करते हैं इसके आम आवाम इनके खिलाफ है, और ये आम आवाम जो है हमेशा संघर्ष करती रही है और आम आवाम ही ये कांग्रेस पार्टी है और हम आम आवाम के साथ हैं। जी तो और कोई बताएं कि आज का आपका क्या कार्यक्रम है, कहां पर आप जाने वाले हैं, थोड़ी से इसके बारे में बताइए। सद्दाम यूथ अध्यक्ष। जी आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सद्दाम खान, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, जो 30 तारीख को हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूनम डॉक्टर पूजा संगुन पांडे जी के द्वारा किया गया कृत्य, जो कि भाजपा की सरकार है उससे सहयोग प्रदान है, क्योंकि आज तक कोई अभी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, उसको लेकर आज पूरे प्रदेश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ गांधी जी के प्रतिमा पर बैठकर हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बाद इसके बाद हम जाकर जिला कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देंगे कि राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। जी जी तो आप परिचय बताइएगा थोड़ा और बताइए क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर। नाम मेरा राज बहादुर गुप्ता है और शहर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पार्टी का हूँ, और जो ये जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर बैठे हैं
ये तो उनको अभी तक उस पर कार्रवाई उन्हें करना चाहिए, उनको जेल में बंद कर देना चाहिए और देशद्रोही का मुकदमा कायम करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक सरकार कुछ भी नहीं कर रही। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक मैसेज आया कि निर्देश आया, और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी का एक निर्देश मिला हमको कि आपको महात्मा गांधी के स्टेच्यू के नीचे इसके खिलाफ़ एक ज़ोरदार धरना प्रदर्शन करना है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और हमारी मांग यही है उनको शीघ्र पकड़ा जाए और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मिशन। जी जी, तो और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रपाल वर्मा है, पूर्व अध्यक्ष प्रधान संघ विकास खंड रेनी। जिस तरह से एक प्रतिमा बना करके बाकायदे रिवॉल्वर ले करके और जिस तरह से उनके ऊपर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पांडे ने गोली मारी है, इस देश का प्रत्येक नागरिक देख रहा था, टीवी में चैनलों में बैठ करके देख रहा था। जब गोली मारी तो उस देश में एक बहुत बड़ा जो है अपमान सहने का महसूस किया और इतना हृदय विहीन हो गई कि लगता है कि सारे देश वासियों को इसमें आगे आकर के अवैसे कृत करने वालों को, ऐसा नफरत फैलाने वालों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तब तक जो है हम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमको मैसेज किया गया, हमारे और महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हम अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, अपमान का महसूस कर रहे हैं, और इस अपमान का बदला लेने के लिए देश की जनता इनको 2019 में समाप्त करके उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। जी, तो और कौन बोलना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? जी, आप परिचय बताइएगा। कैलाश नाथ वाजपेयी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस सेवा दल बांदा। हम क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से कुछ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हमारे देश में एक आपस में लड़ाने के सांप्रदायिक लड़ाने के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और महात्मा गांधी किसी के पुतले को बना करके जिस प्रकार देश में एक लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें गोली मारी गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कांग्रेस के साथ सेवा दल के सभी साथी इनके खिलाफ जब तक निर्णायक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जी, तो और कोई बोलना चाहेंगे परिचय के साथ? शुआब रिजवी, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ उनका प्रतीकात्मक पुतला बनाकर सिक्सर से फायर किए गए, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा जो गलत संदेश राष्ट्र को दिया है, इससे ये संदेश जाता है कि हिंदू महासभा जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे चल रही है और उनके इशारों पे चल रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, हमेशा कांग्रेस आंदोलन का रूप रही है। हम इस कार्य को पूरे राष्ट्र में इस सरकार की योजना को पर्दाफाश करेंगे और इनके सामने जो संदेश दे रहे हैं राष्ट्र को, ये राष्ट्र को संदेश देने से इनके कारनामों को सामने आने का जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा गृह संकल्प लिया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वाजपेयी जी, लीजिए। मैं हरिश्चंद्र वाजपेयी, पौत्र प्रथम चरण के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपी चरण वाजपेयी का पौत्र। संत गांधी जी ने पूरे विश्व को
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम सब आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा, मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। उन्होंने सारे विश्व को एक सूत्र में जोड़ करके प्यार और स्नेह का संदेश दिया। सारे विश्व, हम भारतवासी विभिन्न धर्मों के एक सूत्र में, एक माला में रहते हैं। ये अलगाववादी ताकतें जो बेजारे वतन देशद्रोही हैं, घृणा और फैला करके पावर में आना चाहती हैं। वो जो था बेजारे वतन, वो तो सब कुछ पा गया। जो वतन पर मिट गया उसको बताओ क्या मिला। वो जो थे गारत गरे गुलशन, बहारे पा गए, बाग के माली का दामन फूल से खाली रहा। हमारे हिंदुस्तान के बाग के माली हैं संत गांधी, जिन्होंने हमको उन अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई जिनके राज्य में शूर ही अस्त नहीं होता था। ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, हक और बातिल से हमें स्वतंत्र कराया। इसके कारण ही आज हम विश्व में अपना स्थान बना पाए हैं। जय हिंद, जय भारत। जहांगीर भाई, उधर के अनिल को पकड़ा दीजिए। मैं जहांगीर खान, हमारे बहुत सारे ऑनलाइन पार्टनर भी जुड़ गए हैं इस मामले को लेकर के, और वो बहुत सारे सवाल भेज रहे हैं। मैं जरूर उनके सवाल रहते हूँ, लेकिन पहले हम उनकी बातों को सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। जरूर मैं आपके सवाल शामिल करूँ। मैं जहांगीर खान, अल्पसंख्यक भाग जिला अध्यक्ष बांदा। आज हम सब लोग यहाँ पर जो 30 जनवरी 2019 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को विश्व हिंदू परिषद की पूजा पांडे ने जो उनके फोटो पर गोली चलाया, वो गोली चलाने का मकसद उन्होंने जो 30 जनवरी 1948 को गोली मारी गई थी, नाथूराम गोष्ठे ने गोली मारी थी, आज उन्होंने उसी तरीके से 30 जनवरी को उनको गोली मारी, जिससे आहत होकर हमारा पूरा देश और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इससे बहुत आहत हुई। और आज हम उस दुखद समस्या को लेकर आज इस गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम कांग्रेस जन एक आंदोलित होकर के आंदोलन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक इन लोगों का सुधारा न होगा, ये देशद्रोही हैं, देश के द्रोह के हैं और आपसी भाईचारा मिटाने वाले लोग हैं, जो 1948 से करते रहे। आज़ादी के पहले भी उनका वही रवैया था और आज भी उनका वही रवैया है। आज तो उनके पास एक ताकत है, एक पावर है कि प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और इन विश्व परिषद के गुंडों को प्रदेश और कांग्रेस और राष्ट्र केंद्र की सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। और यही वजह है कि वो अपना संविधान से हट करके संविधान को मिसमार करके करने का काम करते हैं और संविधान के खिलाफ हमेशा अपना काम करते रहते हैं। बगल पकड़ा दीजिए किसी को। हमारे ऑनलाइन दर्शन कुमार पुरी जी दे रहे हैं, वो बार बार मुझे सवाल भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब दीजिए सवाल शामिल करूंगी, लेकिन आप मुद्दे की बात करिए। यहाँ पर मुद्दा है कि गांधी जी की प्रतिमा पर, उनकी फोटो पर गोली जिस तरह से मारी गई है, उस मामले को लेकर अगर आप सवाल करेंगे ना तो मैं जरूर आपके सवाल शामिल करूंगी। तो किसने ले दिया? तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ऑनलाइन दर्शक हमारे जो है वो पूछ रहे हैं कि गांधी जी तो कभी मर सकते में नहीं, बाद में फोन करना। लेकिन इतना ज्यादा विरोध क्यों जारी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? हाँ, मैं डॉक्टर के पी सेन, आरटीआई जिला चेयरमैन, कांग्रेस बांदा। देखिए, गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसा हिंसा का कोई हमारे समाज में वर्चस्व नहीं है, न होना चाहिए। हिंसा से नाश होता है और अहिंसा से नाश नहीं होता है। हाँ, अगर हम लोग नहीं रहेंगे, ये सृष्टि नहीं रहेगी, तो शासन सत्ता कैसे चलेगी? यही हमारे मनीषियों ने समझाया है, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे ईसा मसीह हो। गौतम बुद्ध का कार्यकाल आज से 2500 वर्ष पहले चला रहा है, और हमारा ये अहिंसावादी जो है, ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम चीन, जापान, रोटियो जापान, माँ गोवा पर तमाम प्रदेशों में चल रहा है। आज भी हिंदुस्तान की मानता है कि हिंदुस्तान में हिंसा का बढ़ावा नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्म है। और गांधी जी को
यही गांधी जी ने कहा कि वैष्णो जन उनको कहिए जो पीर पराई जाने ने, अहिंसावादी कभी दूसरे के पीरा नहीं जानते हैं, अहिंसावादी ही जानते हैं। और हम मानव धर्म के लिए, मानव रक्षा के लिए, और गांधी जी को उन्होंने इस हिंदुस्तान की देश को आज़ाद कराया, अहिंसावादी से इस देश की सृष्टि को बढ़ाया, जनसंख्या को बढ़ाया कि जिससे हम लोग यहाँ रह सके, सुखी रह सके। जय कांग्रेस, जय भारत, जय। और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। जी तो हमारे ऑनलाइन पाठक हैं रामजी यादव, वही बगल में दीजिए, जिलानी की दीजिए, सवाल पूछे उसी को उत्तर दीजिए, मूल तथ्य लीजिए जिलानी, मैंने आप बोल सवाल का उत्तर दीजिए, सवाल को उत्तर दीजिए, अनिल को दीजिए। पांडे की गिरफ्तारी ब्राह्मण होने के चलते नहीं हुई थी या फिर हिंदू संगठन चलने के नाते, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? ये नहीं सुन पाए, उनको ऊंचा सुन, उनको ना दूसरे को दे दे, किसी और को दे दे भाई, जिलानी को जिलानी को बोलो बोलो। ऐसा इसलिए नहीं किया गया है, मेरा जहां तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि जिसकी सरकार है इस देश में समय वर्तमान में, और आदेश ज़्यादा देश में उसकी सरकार है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, उसी का एक पैरेलल जो है संगठन है जिसकी वह कार्यकर्ता हैं पूजा पांडे जी, उनके द्वारा इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया है। अगर वह किसी अन्य अल्पसंख्यक होती, अगर कहीं ऐसा किया गया होता, तो उनके खिलाफ अभी तक जाने पूरे देश में सोशल मीडिया ही नहीं, पूरा जो हिंदुस्तान की मीडिया है, जो मोदी जी की पालतू मीडिया है कह लें, वो अभी तक पीछे पड़ गई होती उसके, और उसको जाने कितने प्रकार से, यहाँ तक कि 200 बार फांसी दे दी गई होती अभी तक उसको। सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं किया गया है कि वो एक हिंदू संगठन की महिला है, और तथाकथित जो है हिंदूवादी सरकार है जो कि हिंदुओं के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर रही है और देश को बेवकूफों लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है। जी अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि पूजा जी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जैसा कि मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि इस देश में इस समय चाहे प्रदेश में हो और चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसी ताकतों की सरकार है जिसने हमेशा से इस देश में नफरत और घृणा को फैलाने का काम किया है। महात्मा गांधी जी का जो संदेश रहा है, सभी धर्मों को इस देश में एकता के सूत्र में बांधना, सभी का सम्मान करना, हमारे संविधान का जो निर्देश है कि इस देश में सबका सम्मान रहे, सबको बराबरी का हक मिले, इस विचारधारा के खिलाफ ये जो वर्तमान की केंद्र और प्रदेश की सरकार है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, इस देश के महापुरुषों के महान आदर्शों के खिलाफ है। और जब ऐसी सरकार केंद्र और प्रदेश में होती है, तो वर्तमान में जो कृत्य 30 जनवरी 2019 को हिंदू महासभा और उसकी टीम ने किया है, इनको बढ़ावा मिलता है, और इसी का ये परिणाम है कि सामान्य सी धाराओं में मुकदमा दायर करके ये दिखावे का रूप धर रहे हैं, जबकि इसमें तत्काल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, और जितने लोग उसमें शामिल थे सबके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो और भी सवाल हैं हमारे ऑनलाइन दर्शकों का, अनिल सिंह हैं ये, और ये पूछ रहे हैं कि जातिवाद का कोई नाम नहीं, हमको सिर्फ राष्ट्रवादी से जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहिए, आप कितना सहमत हैं इस बात को लेकर? ये पूरा मामला आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपिता के सम्मान के लिए बैठे हुए हैं, इस देश के संविधान के लिए बैठे हुए हैं, इस देश के महापुरुषों के सम्मान के लिए बैठे हुए हैं, और कांग्रेस हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। जी जी, तो आपने सुना जिस तरह से यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो दो सवाल आए हैं उनके जवाब मिले हैं, साथ आप संतुष्ट होंगे, या आपके और कोई सवाल हैं तो ज़रूर ऐड करिए, मैं ज़रूर ऐड करूँगी और इस चर्चा को और ज़्यादा बढ़ाइए। तो और क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के आप? आयाज जी, हेलो जी, कौन जी बोलिए, क्या अभी सवाल कीजिए आप, क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं इस मामले को लेकर के पूरे देश में? चर्चा ही नहीं बल्कि ये इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक इस देश की सहिष्णुता के साथ है,
इस देश की सांप्रदायिक एकता के साथ है, इस देश के संविधान के साथ है, महात्मा गांधी जी के साथ है और महात्मा गांधी जी के आदर्शों के साथ है। न केवल चर्चा है बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, एक पूरा आवेग है, एक पूरा जो 30 जनवरी को जो एकत्र हुआ है उसके खिलाफ प्रत्येक जनमानस में एक तरीके से विद्रोह है, एक तरीके से आक्रोश है। और निश्चित रूप से कांग्रेस इस जन आक्रोश को उसको संघर्ष में बदलेगी और जब तक ये ताकतें इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं हो जाता है और जब तक इन ताकतों को संरक्षण देने वाली ताकतें इस देश से समूल नष्ट नहीं हो जाती हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस देश से अंग्रेजों को भगाया है, इस देश की विरोधी ताकतों को नष्ट किया है, इस नफरत की इस राजनीति को भी कांग्रेस नष्ट करेगी। बापू तेरे सम्मान में कांग्रेस मैदान में, बापू तेरे सम्मान में कांग्रेस मैदान में, बापू तेरे सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महात्मा तेरे सम्मान में कांग्रेस मैदान में, बापू तेरे सम्मान में, ठीक ठीक कांग्रेस मैदान, ठीक 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 बापू तेरे सम्मान में कांग्रेस मैदान में, ठीक उनको बोलने दीजिए जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई, क्या सरकार इसमें कोई कार्रवाई करेगी? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें कार्रवाई करेगी? ये ऐसा घटनाक्रम है, इतना निंदनीय और घिनौना, इतना तरीके से घृणास्पद कार्य है जिसमें इस सरकार को अपने सारे कामकाज छोड़ करके पहला काम उन ताकतों को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के तहत जेल के अंदर करना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके संरक्षण देने वाली ताकतें इस देश की प्रदेश और केंद्र की सरकारें चला रही हैं, तो वो स्वच्छंदता से घूम फिर रहे हैं, बड़े आराम से उन्होंने इतना घिनौना कार्य किया, महात्मा गांधी का अपमान किया और उसको सोशल मीडिया में भी वायरल किया। निश्चित रूप से ये जिस तरीके से उन्होंने ये दुस्साहस किया, सोशल मीडिया में वायरल किया है, उनका ये विश्वास है कि उनकी जो केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें हैं ये उनकी संरक्षणदाता है। अगर ये उनके अंदर ये भावना होता हिंदू महासभा के अंदर कि प्रदेश और केंद्र की सरकार हमारा संरक्षण करेगी, तो वो इस तरीके से सोशल मीडिया में नहीं जारी करते और वो उनके दुस्साहस, उनका ये दुस्साहस केंद्र और प्रदेश की सरकार की भावना को उजागर करता है, उनकी असलियत को उजागर करता है। और कांग्रेस ऐसी ने हमेशा इनके खिलाफ ये बात कही है कि ये नफरत की राजनीति करने वाली ताकतें हैं और उसका ये उदाहरण है ये जो 30 जनवरी को अभी हिंदू महासभा ने पेश किया, और निश्चित रूप से इसकी लड़ाई कांग्रेस जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। तो आओ ना सरकार को क्या इस पर जल्दी पहले इस मामले पर कि जिस तरह से वो कार्रवाई करें, इस तरह के मामले अगर होते रहेंगे तो जिस तरह से इनका कहना है कि ये मामले आगे इस तरह की व्यवस्था लोगों में बढ़ते जाएंगे, तो क्या सरकार इस मामले पर कार्रवाई करेगी? इसी सवाल के साथ मैं अपनी यहीं पर समाप्त